तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच अरविंद सर, मनीष सर, राघव भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के पे हूँ विजनरीज के साथ। मैं सर को विजनरी इसलिए बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिल्ली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो दिल्ली जैसी हो। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में किस लेवल का चेंजेस आया। एंड ऑल थैंक्स टू सर फॉर दैट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ लाखों माइग्रेंट्स के साथ, लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी, तो एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले लॉकडाउन में करीबन 2000 से 2200 बच्चों को हमने पढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को एस सी चैरिटी फाउंडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा अरुण सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है, मैं क्या करूं। कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज के माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बताते हैं कि भैया आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए कीजिए, कोई भी कीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या, दिशा कौन सी पकड़े। तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत एक्सपीरियंस साथ में लेकर आते हैं, जो आपके मेंटोर बनते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटोर है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तक पहुंचे। सो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का। हम हमेशा बोलते हैं कि यार मैं करना चाहता हूं, पहले मैं कुछ बन जाऊं, मैं उस लायक बन जाऊं, फिर मैं कुछ करूंगा, मैं एस्टैब्लिश कर लूं, मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करूं, या मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूंगा। पर मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है देश के मेंटोर्स का, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंसान, चाहे वो अभी भी जिंदगी के पड़ाव चढ़ रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, दो बच्चों का, 10 बच्चों का मेंटोर बन सकता है, उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें क्या ना करें। मनीष सर अभी मुझसे शेयर कर रहे थे जो मैं बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा था कि हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, जब 11-12 था तो उस समय दो ही प्रोफेशन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तो इंजीनियरिंग करने चले गए हम लोग। लेकिन आज इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है, इतने ज्यादा एवेन्यूज है और इतने ज्यादा रास्ते खुल गए हैं जहां पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं या कुछ सफर तय कर चुके हैं, उन लोगों को मेंटोर बनने का बहुत बड़ा मौका है, बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आए, हाथ थामें